नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे ऑटो कैड। ऑटो कैड का ये पहला सेशन है और ऐसे सेशंस आगे बढ़ेंगे। न्यू यूज़र के लिए बता देता हूँ, ये ऑटो कैड स्क्रीन है। ऑटो कैड पे आपका कोई भी वर्जन हो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बस एडवांस वर्जन में कमांड्स ज़्यादा होती हैं और फास्ट होती हैं, लेकिन बेसिक लर्नर के लिए कोई भी ऑटो कैड सुटेबल है। 2000 के बाद, 2004 हो, 7 हो, 12 हो, कोई भी ऑटो कैड आपका काम करेगा। तो सबसे पहले आप ऑटो कैड में स्क्रीन देखते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन है ऑटो कैड की। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये समझना है कि आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर पहले आते होंगे, मैं होप करता हूँ एम एस वर्ड या एक्सेल आपने देखे होंगे। तो ये जो ऑटो कैड का मेन तरीका है, ये जो सामने आप नज़र आता है वो एक, मान लीजिए एक शीट है, ड्राइंग शीट जैसे आप बनाते हैं, ये आपके लिए शीट है और इस शीट पर आपको ड्रॉ करना है। इस शीट पर ड्रॉ करने के लिए आपको बहुत सारी कमांड्स होंगी, वो किस तरीके से करनी है और क्या ड्रॉ करना है ये आपकी, आपके इंजीनियरिंग के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली अगर आप देखें तो लाइन कमांड, सबसे पहले शीट पर लाइन डालना सीखते हैं हम। तो लाइन क्या होती है, ये लाइन कमांड है, ये लिखा हुआ भी आ रहा है लाइन कमांड, इसको एंटर कीजिए, आप कहीं से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो आप कहीं से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मर्जी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको, ये लाइन कमांड, लाइन कमांड से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं किधर से किधर तक भी, और एस्केप दबाएंगे तो ये लाइन कमांड से बाहर आ जाएंगे। तो आपने एक लाइन कमांड ड्रॉ करी, एक अजीब तरीके से लाइन ड्रॉ करी, लेकिन इंजीनियरिंग में आपको जो लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है वो एक, उसका कोई मकसद होता है। इसमें बेमकसद आपने लाइन ड्रॉ करी, उसका कुछ साइजेस होते हैं, कुछ तरीका होता है। तो ऑटोकैड में वो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको इरेज करने के लिए आप इसको सिलेक्ट कीजिए। अब सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे करके पूरी विंडो करके सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सारी सिलेक्ट हो गई, और दूसरा तरीका है अगर आप ऐसे, दो तरीके की विंडो बनती है, एक तो ये विंडो है और एक क्लॉक, एक ये विंडो है, एक है लेफ्ट टू राइट, एक राइट टू लेफ्ट, दोनों में फ़र्क है। अगर मैं इस विंडो को इतना करता हूँ, ओके, तो आप देख रहे हैं जो भी इसमें ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स है बेसिकली, जो ऑब्जेक्ट्स कट रहे हैं वही सिलेक्ट हो रहे हैं। और अगर मैं यहाँ से विंडो करता हूँ तो आप देख रहे हैं तो कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। रीज़न ये कि इसमें इधर से विंडो करूँगा तो मुझे पूरे ऑब्जेक्ट को लाना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं तो मेरा अगर ये ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट मेरा पूरा आ रहा है तो एक ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ, जबकि इस केस में इधर से विंडो लाया था तो मैं कोई भी, जितने भी कटेंगे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये दो तरीके हैं सिलेक्शन के, एक है आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, वो तो आस्ते आस्ते आपको सीख ही जाएंगे। अगर आप इसको क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके आपने इसको सेलेक्ट कर लिया तो जितने भी आपके कटेंगे वो सारे आ जाएंगे, ये आ गए। अब ई एंटर, इरेज कर रहे हैं तो ई, ई इज़ द कमांड फॉर इरेज, एंटर, तो ई इज़ द कमांड फॉर इरेज, एल फॉर कमांड फॉर लाइन। तो ये आपने दो कमांड सीखी। अब लाइन आप जो ड्रॉ करते हैं वो आप स्ट्रेट ड्रॉ करनी है, तो स्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए अभी तो मैं लाइन सीधी, मेरी लाइन सीधी ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं सीधी, ये मेरे को अंदाजा से सीधी कर पा रहा हूँ। तो अगर इसको ठीक करने के लिए कि मैं सीधी लाइन ड्रा करूं तो मुझे ऑर्थो मोड को ऑन करना पड़ेगा। अगर मैं ऑर्थो मोड को ऑन करता हूं, F8 दबा के मैं ऑर्थो मोड को ऑन करता हूं, तो आप देखेंगे अब लाइन सीधी जा रही है। अब मैं टेढ़ी लाइन नहीं ड्रा होगी, सिर्फ सीधी लाइन ड्रा होगी। ओके, देखिए अब सीधी लाइन ड्रा हो रही है, सीधी लाइन ड्रा हो रही है। तो ऑर्थो मोड F8 करके, ये ऑर्थो मोड नीचे अगर देखें, नीचे बना हुआ है, इस पर लिखा हुआ भी आता है ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड अगर ऑन करना है या ऑफ करना है, जनरली इंजीनियरिंग में हम ऑर्थो मोड ऑन रखते हैं। ऑर्थो मोड ऑन रखने से हमारी लाइन अधिकतर सीधी ही जरूरत होती है, तो हम ऑर्थो मोड ऑन करते हैं। ऐसे मैं इरेज कर रहा हूँ, सिलेक्ट करने के बाद इरेज कर दिया। तो आपको ऑर्थो मोड ऑन करना है F8 से। अब आप लाइन ड्रा करेंगे। अब मैं लाइन ड्रा कर रहा था, मेरे को कुछ यूनिट्स है, मैं यूनिट्स को टारगेट यूनिट मैं मिलीमीटर मानता हूँ, तो आप भी टारगेट यूनिट मिलीमीटर मान लीजिए। वैसे आप कोई भी टारगेट यूनिट मान सकते हैं, इंच मान सकते हैं,
या फीट मान सकते हैं या मीटर मान सकते हैं। जनरली हमारी ड्राइंग्स मिलीमीटर होती हैं, तो टारगेटेड मैं मिलीमीटर मानता हूँ। तो मैंने मिलीमीटर माना, तो मैंने 300 ड्रॉ करता हूँ या 5,000 ड्रॉ करता हूँ। तो इधर मैंने किस तरफ ड्रॉ करनी है, मैंने उसी तरफ एरो खींच लाइन खींच दी। अब लिख दिया 1000, 1000, जीरो, एंटर। तो ये 1000 की लाइन ड्रॉ हो गई। ओके, बाद में हम देखेंगे 1000 की है या नहीं, ये डायमेंशंस में देखेंगे, वो आपको बाद में बताऊंगा। अभी मान लीजिए 1000 की लाइन ड्रॉ हो गई। अब मेरे को इस लाइन से नीचे 1000 ड्रॉ करना है, तो मैं कैसे ड्रॉ करूँगा। अब देखिए इस लाइन के एंड पॉइंट से, और मेरा एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट है या नहीं है मुझे नहीं पता चल रहा, तो इसके लिए मुझे ये एंड पॉइंट से ड्रॉ करना है। तो एक कमांड है F3, F3 दबाएंगे तो ओ स्नैप ऑन हो जाएगा। ओ स्नैप नीचे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट स्नैप, तो F3 से आप ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन कर लीजिए। देन F3 से ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन हो गया। ओके, तो ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन करने से पहले उसे सेटिंग कर लीजिए। ऑब्जेक्ट स्नैप को क्लिक कीजिए, नीचे बार में लगा हुआ सेटिंग कीजिए, ये आ जाएगा। तो सारे सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट ऑल, ओके। अब मैं लाइन ड्रॉ करूँगा, लाइन कमांड फ्रॉम एंड पॉइंट। अब देख रहे हैं ये स्क्वायर बन गया, तो ये एंड पॉइंट को पकड़ रहा है। इधर देखिए ये एंड पॉइंट को पकड़ रहा है, ये जो है मिड पॉइंट। अगर मुझे मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं ये मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। इसके लिए F3 ऑन या ऑफ करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन करना पड़ेगा। एक तो आपको ऑर्थो ऑन करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन करना पड़ेगा फॉर ड्राइंग द लाइन, F8 एंड F3। अब ये एंड पॉइंट लिखा भी आ रहा है, एंड पॉइंट से मैंने ड्रॉ की। अब इस तरफ 1000 ड्रॉ करनी है, तो ऐसे नीचे रख के मैं 1000 टाइप करूँ, 1000, 1000 टाइप कर दिया, एंटर। तो ये 1000 की मेरी लाइन हो गई। अब मुझे इधर भी 1000 चाहिए, तो मैं 1000, एंटर। और इधर इसको मैं क्लोज कर दूंगा, इसके परपेंडिकुलर, ये जो साइन आ रहा है, ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये शो कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर आप जा रहे हैं। तो ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये हमारा स्क्वायर बन गया। तो ये एंटर, एंटर करने पे इस कमांड से हम बाहर आ गए। तो ये आपने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया लाइन कमांड से, 1000, 1000, 1000, 1000 का। तो ये 1000 है या नहीं है ये हम बाद में देखेंगे अगली क्लासों में। तो ये आपने देखा, आज आपने सीखा। अभी मैं आपको कुछ कमांड्स और बता देता हूँ। अगर लाइन ड्रॉ करने है मुझे मिड पॉइंट से और इसके मिड पॉइंट तक, तो मैं आराम से ये मिड पॉइंट लिया और इसके मिड पॉइंट तक आराम से ड्रॉ कर सकता हूँ। ओके, तो ये मिड पॉइंट से ड्रॉ कर दी, तो ये आपने ड्रॉ करी लाइन। तो आप ये किसी भी लाइन कमांड को यूज़ कर सकते हैं और लाइन कमांड को बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं। दूसरा है, अब आपका अगर आप डायरेक्ट ये रेक्टेंग ये स्क्वायर बनाया है, तो डायरेक्ट आप स्क्वायर भी बना सकते हैं। ये कमांड है रेक्टेंगल कमांड, इसको क्लिक कीजिए। यहाँ से इस पॉइंट से हमने 1000 by 1000 का रेक्टेंगल बनाना है। अब इसमें ध्यान रहना है, 1000 by 1000 मतलब राइट में 1000 जाना है, अप में 1000 जाना है, शिफ्ट एट द रेट ऑफ। एट द रेट ऑफ का मतलब है, अब जो हम ले रहे हैं वैल्यू फ्रॉम, जो जहाँ हमने क्लिक किया वहाँ से ले रहे हैं, एट द रेट ऑफ 1000, 1000। तो ये एंटर करेंगे, ये सीधा एक ही कमांड में आपका स्क्वायर बन गया। पहले आपका चार लाइन चार कमांड्स में बना था, अब ये सीधा एक ही कमांड में 1000 by 1000 का स्क्वायर बन गया। तो ये आप या तो रेक्टेंगल, आपकी मर्जी, आप चाहे एक चार कमांड से बनाइए या एक कमांड से, तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली सर्कल ड्रॉ करने के लिए, ये सर्कल हो गया, आपने इसका सेंटर बताना है, सेंटर आपका ये हो गया। और रेडियस आपका ये रखना है या इसे ज़्यादा रखना है, आप वैल्यू दे के ज़्यादा भी रख सकते हैं, या ये रखना है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, या ये रखना है रेडियस आपको। ओके, तो आप कोई भी रेडियस रख सकते हैं। ऐसे मैं रखना चाहता हूँ 100 का, तो 100 mm, ये रेडियस हो गया। तो आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक सर्कल कमांड ये है, सर्कल कमांड, सर्कल कमांड है, लाइन कमांड आपने सीखी, सर्कल कमांड सीखी। तो इस प्रकार से हम आगे भी और भी कमांड सीखते चलेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज आपने जो कमांड सीखी, ऑब्जेक्ट स्नैप F3, ऑर्थो कमांड F8, रेक्टेंगुलर कमांड, लाइन कमांड, ओ स्नैप, ये सब बारे में सीखा। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए थोड़ी देर।
दिन और ऐसे वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद।